भाई आराम से, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, आराम से। शिट यार, ऐसे ही तो जंप स्केयर्स आते हैं। कोई नहीं है, कोई भी आ सकता है, बट आराम से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का इन पार्ट फोर ऑफ दिस गेम द ब्रिज कर्स टू द एक्सट्रिकेशन में। तो वैसे को अभी हम लोग फिलहाल स्विच कर गए एक लड़की के कैरेक्टर में जिसका नाम है एआई करके, ठीक है। अभी पिछले पार्ट में हम लोग जो है एक लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो इसमें गाइस देखो कैरेक्टर्स जो है स्विच होते रहते हैं, यानी कि जैसे ही कैरेक्टर स्विच होते हैं ना तो स्टोरी भी चेंज हो जाती है, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग खेलते हैं एंड फिर स्टोरी चेंज हो जाती है एंड जो है जो स्पिरिट है, जो गोस्ट है, वो भी सामने अलग अलग टाइप के एनकाउंटर होते हैं हमें, ठीक है। अलग अलग स्पिरिट्स एनकाउंटर होते हैं जैसे ही कैरेक्टर स्विच करते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग ये लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड ये जो जगह है ना, ये वही जगह है जहाँ पे हमें जो है काफी एक बुरा जो है मोमेंट देखने को मिला। जैसे कि ये पूरा शूटिंग वाला एरिया है, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, बेसिकली री एनैक्ट कर रहे थे पूरा प्ले, जो पिछला इस यूनिवर्सिटी में जो भी हादसा हुआ था उसको लेके हम लोग कुछ शूट कर रहे थे, रीमेक कर रहे थे। तो उसी दौरान जो है हमारा जो मेल कैरेक्टर था, जो एक लड़का था रिची चैन करके, उसके साथ जो है काफी उसको एक काफी एक बुरा एक स्पिरिट दिखा इस रूम में एंड उसके बाद से जो है काफी चीजें उलट फुलट हो गई, ठीक है। तीनों दोस्त जो है वो अलग अलग हो गए, बिखर गए एंड अभी फिलहाल हम लोग इसी जगह पे लैंड अप हो गए एंड इधर से हमें आगे जाना है, ठीक है। एंड ये जो लड़की है ना, इसका नाम है ए हाई करके, ठीक है, ए हाई इसका नाम है। तो अभी हमें ए हाई बन के, यानी कि ए हाई का ये जो कैरेक्टर प्ले करके हमें हमारे वो दो दोस्त को ढूंढना है, यानी कि वो जो दो लड़के हैं उनको ढूंढना है, ठीक है। तो पिछले पार्ट में काफी सारी चीजें हुई थी, हमें जो है एक दूसरा स्पिरिट देखने को मिला था। ओह शिट, गाइस गाइस गाइस, हमें भागना है, ठीक है, हमें भागना है। ये इवल हैंड्स है, ठीक है, इवल स्पिरिट के हाथ है, तो उससे भागना है। जल्दी जल्दी जल्दी, Elevator? When did an elevator get here? एक्चुअल में एलिवेटर था ही नहीं इस जगह पे, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गया। ये एलिवेटर काफी मिस्टीरियस see. है, बहुत ज्यादा हमें दिखता है ये एलिवेटर इस पूरे गेम में, काफी टाइम What? दिखाया हमें। The lamp's lighting up. यप, ओके, बहुत ज्यादा स्मोक आ रहा है, पता नहीं हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। शायद सब ने पावर यूज किया है लैंप का, ये लैंटर्न का। ओके, All the stories say the elevator takes you to a non-existent B3. No way. यप गाइस, यप। चलो, वी नीड टू Isn't गो this the आउटसाइड second गाइस। floor of Tharun? This is freaking bizarre. Am I even on campus? ओके, ठीक है गाइस, मैं अभी है ना, देखो ठीक है, देखो ये जो एनिमा लैंटन है ना, आप लोग को पता होगा अगर आप पार्ट वन से फॉलो कर रहे हो, यानी कि जब से हमने ये गेम स्टार्ट की है, सीरीज स्टार्ट की है, अगर तब से आप फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि ये लैंटन का क्या यूज है, क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले पार्ट में अपन ने जो है सेकेंड पार्ट में, बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में हमने इसका यूज किया था लैंटन का, उस टाइम पे दूसरा एक कैरेक्टर था जो हम लोग प्ले कर रहे थे। तो ये लैंटन काफी मैजिकल है, काफी हेल्प करती है स्पिरिट्स को, हमें काफी बचाती है स्पिरिट से एंड कोई भी ऐसे हिडन आंसर्स हो ना, हिडन मैसेजेस हो, तो ये लैंटन उसे रिवील करती है, हमें दिखते हैं वो मैसेजेस, ठीक है, लैंटन की मदद से। It's weird. It feels like I've been here before. चलो, तो ये एलिवेटर भी काफी मिस्टीरियस है, इसमें कहा है कि टोटल जो फ्लोर्स है ना, सबसे लोएस्ट फ्लोर है वो है B2 करके, बेसमेंट 2,
तो उधर तक ही ये पूरा बिल्डिंग है बना हुआ है, ठीक है, सबसे लोएस्ट बेसमेंट 2 तक ही है। लेकिन पता नहीं क्या होता है अचानक से कि बेसमेंट 3 करके भी एक एरिया है, एक फ्लोर है जहाँ पे ये एलिवेटर हमें लेके जाता है। लेकिन कब लेके जाएगा पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग वाला जो कैरेक्टर अपन ने प्ले किया था, तब जो है अपन ने बेसमेंट 3 वाला फ्लोर देखा था, थोड़ा सा ही देखा था, उसके बाद जो है स्टोरी चेंज हो गई थी। तो बेसमेंट 3 काफ़ी भी मिस्टीरियस है, कुछ तो एक अलग ही जगह है वो जो ये एलिवेटर हमें लेके जाता है। एक्चुअली एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, बट क्या बोल सकते हैं कि एक एक डिफरेंट वर्ल्ड में हमें लेके जाता है ये। चलो तो ये How's this 1960 place still under construction? 1963। ओके गाइस, ये कुछ कहना चाह रहा है, लैंटन हमें दिखाना चाह रहा है। ओ ये रहा, What the देखो एरर hell मैसेज। happened तो ऐसे हिडन मैसेजेस रिवील होते हैं, ठीक है, हमें पता चलता है। पीपल कीप डाइंग, स्क्रू दिस प्लेस। ओके तो शायद से जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस टाइम पे, या तो पता नहीं किसी ने लिखा कि पीपल कीप डाइंग, यानी कि इधर जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी इधर रह रहे हैं, वो लोग के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए शायद से इन्होंने ऐसे छोड़ दिया था, पता नहीं। Incense is इंसेंस बर्नर। ओके अ स्मॉल इंसेंस बर्नर विद 9 इंसेंस स्टिक्स स्टक इन दी सैंड। टिपिकली व्हेन 9 इंसेंस स्टिक्स आर लिट, इट्स टू रिक्वेस्ट असिस्टेंस फ्रॉम वेरियस डीटीज टू हेल्प विद मैटर्स दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड बाय ह्यूमन एफर्ट अलोन। ओके ठीक someone praying? है, चलो गाइस लेट्स गो। आई होप कुछ देखो, अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी ये जो एआई करके जो लड़की है ना, इसके कैरेक्टर में हम लोग पहली बार आ रहे हैं। तो अब जो है इस पार्ट में, यानी कि पता नहीं इस पार्ट में दिखेगा कि नहीं, बट कोई दूसरा एक गोस्ट स्पिरिट हमें देखने को मिल सकता है, दूसरा मतलब काफी न्यू। अभी तक हमने जितने भी गोस्ट या तो स्पिरिट जो भी एनकाउंटर हुए ना, वो काफी डिफरेंट थे, ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। तो इस वाले टाइम में भी ये वाले कैरेक्टर के सामने भी कोई दूसरा एक डिफरेंट क्या गोस्ट आ सकता है। आवर मास्टर हैज पास्ड ऑन टू द हेवनली रियल एंड वी आर पावरलेस टू रेसिस्ट, फेट हैज इट्स ओन अरेंजमेंट्स एंड ओनली द वन हु टाइड द बेल कैन अनडू इट। नोट्स फ्रॉम अ सीनियर डिसाइपल ऑफ एन नॉन पैलेस कंसर्निंग द एनिमा लैंटर। द एनिमा लैंटर्न इज आवर टेंपल्स ट्रेजर्ड आर्टिफैक्ट एंड इज नॉट टू बी यूज्ड अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। Our blessed master once said that this artifact not only protects the primordial spirit from intrusions of evil, but can also lead the holder in the right direction and allow them to enter or leave geomantic formations. Nevertheless, he repeatedly admonished us not to become overly reliant on the lantern. ठीक है, यानी कि लैंटन काफी पावरफुल है, काफी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते लैंटन के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लेके। लेट्स सी, बट है पावर तो है। देखो अभी अभी ये जो स्मोक दिख रहा है ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया है पहले पिछले पार्ट्स में कि क्या होता है ये। जो स्मोक्स है बेसिकली जो स्पिरिट्स होती है ना, वो ऐसा बैरियर क्रिएट करती है, ऐसा रास्ता ब्लॉक करने के लिए ऐसा स्मोक बना देती है ताकि हम लोग आगे ना जा पाए। अभी इसको तोड़ने के लिए हम लैंटन की मदद लेते हैं, जैसे कि ऐसे अपन जो है इस स्मोक को हटा सकते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। हट गया, चलो थोड़े सेकंड्स लगते हैं लेकिन फिर हो जाता है। वापस से देखो ये ग्रीन लाइट हमें देखने को मिली है, पिछले पार्ट में हमें ये ग्रीन लाइट दिखी थी। ये काफी फ्रेंडली है, ये जो शायद से ग्रीन लाइट है, ये जो स्पिरिट है काफी फ्रेंडली है, हमें काफी अच्छे से गाइड करती है सही जगह पे, इसके अंदर जाने को बोल रही है। सो इज द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ओके तो ये ग्रीन लाइट कुछ कहना चाह रही है कि इधर देखो इधर कुछ है। ओके ये क्या है, कौन है ये? शायद से इसकी डॉटर है, जो फाउंडर है ना उसकी डॉटर है। G-O-E. यस यस यस, How ये can जो पूरी I यूनिवर्सिटी का जो look फाउंडर है ना, so much like her? उसकी डॉटर जिसका मर्डर हुआ था, ये वही लड़की।
ये क्या है? बिजार रॉक। ये रॉक में ऐसे दाग लगे हैं या ये टाइप ऑफ रॉक ही कुछ ऐसा है? नहीं, बट शायद से दाग लगे। नहीं, ये फिंग शुई आर्टिफैक्ट दैट यान शू वेन गिफ्टेड टू शू वेन श्योंग। इट्स रूमर्ड टू बी अ प्रेशियस स्टोन स्टेन्ड विद द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम अ हाईली एनलाइटेंड मॉन्क, बट इट लुक्स रादर पिक्यूलियर। ओके, तो यानी कि ब्लडी है बट ठीक है, लेट्स सी। शू वेन श्योंग्स लेटर। प्रिंसिपल शू, माय डियर फ्रेंड, इंट्रोड्यूसिंग यू टू यान शू वेन वाज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आवर स्कूल्स आर सिस्टर्स इंस्टीट्यूशंस आफ्टर ऑल, एंड इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग ईच अदर आउट। आई लुक फॉरवर्ड टू द डे द न्यू बिल्डिंग इज कंप्लीटेड। डोंट फॉरगेट टू इनवाइट मी फॉर अ विजिट। लास्ट टाइम यू मेंशनड द वेडिंग बिटवीन योर बिलव्ड डॉटर एंड मिस्टर यान वाज ऑलरेडी सेट। इट्स अ परफेक्ट मैच एंड अ यूनियन ऑफ बोथ टैलेंट एंड ब्यूटी। आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू द वेडिंग। आई कांट वेट टू सेलिब्रेट सच अ जॉयस ओकेजन। ठीक है, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। ओह, इधर कुछ है। लेट्स सी गाइस। Wow, that's incredible. शायद से क्या है ये? कुछ Is तो it because of this lantern? How many times have I told you? The marriage has been arranged. Be a good girl and marry Yan Shuwen. Okay. Father, do you even know what he's really like? Anyone, anyone but him. Zhu Yue, you naive, ignorant girl. Where are you going to find a husband as good as this? Look at this relic he gave me. It once belonged to a high-ranking monk. Incredible. Father, he's fooled you. You didn't used to be like this. ठीक है, तो शादी की बातें चल रही है, You'll see लड़की को for शादी नहीं yourself. करनी है। Look what he's done to the reception room you let him use. Please. Okay. Where did you get this key? Tell me. You stole it. Despicable wench. No daughter of mine would stoop so low as to steal. Okay. आराम से। चावी मिल गई गाइस। इनकी बातों बातों में चावी रख के चली गई हो। Was चावी that मिल गई। Xu and Xiong and Xiaoyi? Aren't they dead? यस दे आर, बट हमें वो दिख रहा था सब कुछ जो भी वो बातें चल रही थी, पुरानी बात है। तो गाइस, रिसेप्शन रूम में हमें जाना है। ये चाबी रिसेप्शन रूम की है। ड्यूरिंग द अर्ली कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द दारेन बिल्डिंग द रिसेप्शन रूम वाज टेंपरेरली लेंट टू यान शू वेन बाय द स्कूल फाउंडर टू यूज एज अ मेकशिफ्ट ऑफिस। Did Xiaoyi say something about the reception room? यस, यानी कि ये जो लड़की है ना, तो जो फाउंडर है मतलब उसके पिताजी लड़की के, उसने रिश्ता लेके आया वो, ठीक है। उसने एक लड़का ढूंढा उसके लिए, उसने कहा कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, इससे शादी कर ले। तो उसकी जो डॉटर है, वो जो लड़की है, उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो शायद से कुछ चीज़ें जानती होगी उस लड़के के बारे में, कि यानी कि वो लड़का ठीक नहीं है, उसके इंटेंशंस गलत है, या तो वो सही नहीं है, उसको सही नहीं लग रहा था। लेकिन फाउंडर जो उसके डैड है, उसको काफ़ी पसंद था वो लड़का। तो ऐसे दो इनडिफरेंसेस थे दोनों के बीच, डैड और डॉटर के बीच। एंड उसने कुछ से बोला डॉटर ने, लड़की ने, कि उसने रिसेप्शन रूम में कुछ सब किया है, पता नहीं क्या क्या है। तो वही हमें देख रहा है वो Xiaoyi, चाबी। stop deceiving my father. What you're doing is disgusting. Why won't you just marry me? You're going to regret this, Xiaoyi. Don't blame me for what happens. ओ, मतलब वो जो लड़का है, वो उसके डैड को काफी इम्प्रेस करने के लिए कुछ कुछ चीजें ऐसी कर रहा था, मतलब जो ऑब्वियसली मतलब सच्ची नहीं थी। तो लेट्स सी क्या था। कुछ तो काफी ठीक नहीं लग रहा है वैसे तो। जो भी है, रिसेप्शन रूम में पता चलेगा आपने को। ये रिसेप्शन रूम है क्या? ओ, ये आ भी गया। पता कैसे चलेगा रिसेप्शन रूम?
कुछ लगा भी नहीं अगर बाहर बोर्ड हो। ओके ये रहा। ओके चलो अभी क्या देखना है इधर। यहाँ शो वंस लव लेटर। शो यो ही यू आर द ओनली वुमेन अलाइव वर्थी ऑफ बिकमिंग माय ब्राइड। आफ्टर वी आर वेड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल चेरिश यू अंटिल द एंड ऑफ टाइम। ऑन डिसेंबर 9th you will officially become my bride, my wife and my life partner, my beautiful bride to be. I am simply bursting with anticipation. ठीक है यांशु wins। ठीक है ये इधर कुछ ताला मतलब लॉक खोलना है बट कैसे खोले। वी नीड टू चेक ये देखना पड़ेगा हमें कैसे क्या खोलना है। आर्टिकल ऑन यांशु wins जो लड़का है यांशु एन उसका नाम है लड़के का तो उसके ऊपर कुछ आर्टिकल आया था। आर्किटेक्ट विंस अवार्ड इन द यूके थैंक्स टू बैकग्राउंड इन फेंग शुई होप्स टू प्रूव हिमसेल्फ टू हिज फैमिली। ड्यूरिंग द इंटरव्यू मिस्टर यान एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू फर्दर एक्सपेरिमेंट विद कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेडिशनल फेंग शुई एंड वेरियस फोक कस्टम्स टू क्रिएट अ यूनिक फिलोसॉफी एक्सक्लूसिव टू द यान फैमिली। हाउएवर हिज फैमिली क्वेश्चन दिस डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन which prompted his decision to travel abroad and broaden his horizons, hoping to prove himself by achieving tangible results. Okay, तो ये वही architect वाला बंदा है जो murder incident हुआ था उसके time पे जो बात हो रही थी ना कि ये जो लड़की है ये जो founder की daughter है उसका murder हुआ था उसके पीछे वो architect का हाथ था। तो ये वही architect है ये वही लड़का है जिसके साथ शादी की बातें चलती। Building the future. A classic textbook on intricate architectural techniques, it appears quite hefty but is surprisingly light, as if there's something hidden inside. You can even hear a faint rattling sound when you shake it. Okay. ठीक है. Shake करेगा? Shake. Oh, ये रहा ना कुछ तो है. ये रहा कुछ पीस है भाई। ये काफी मिस्टीरियस बंदा है कुछ तो पता नहीं क्या कर रहा था प्लानिंग। अ यूनिकली शेप्ड वुडन ब्लॉक अडॉर्न्ड विद रेड पैटर्न्स द मिसिंग एजेस ऑन द पेरिफेरी सीम टू सजेस्ट कंपैटिबिलिटी विद अनदर ऑब्जेक्ट। यप चलो इधर लगाना है कुछ। यस देयर इज अ स्क्वायर ग्रूव इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके इधर लगाना है कुछ हमें बट काफी मिस्टीरियस चीज इसने बना के रखी थी पता नहीं क्या प्लान कर रहा था। जो भी है बहुत ही ज्यादा सस्पेंस भरा है। एंड ये लॉक कैसे खोलना है। दिसंबर 9th ऑन दिसंबर 9th अभी दिसंबर 9th को इन्होंने ग्रीन करके क्यों हाईलाइट किया है मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट लेट्स ट्राई क्या कोड फिर ट्राई करेगा क्या हो सकता है कोड। ओके खुल गया। तो कोड क्या था पता है दिसंबर 9th है ना तो दिसंबर जो मंथ है वो 12th मंथ है एंड उसके बाद 9th यानी कि 09 करके हम लोग बोल सकते हैं। तो 1209 करके कोड था 4 डिजिट का इसलिए उन्होंने हाईलाइट किया था ग्रीन। ठीक है क्रिम्सन डिस्क मिला है अ स्पेशल राउंड डिस्क अडॉर्न्ड विद रेड पैटर्न्स द मिसिंग एजेस ऑन द पेरिफेरी सीम टू सजेस्ट कंपैटिबिलिटी विद अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है ये कोई तो वूडू हाँ वूडू टाइप है ये बंदा बहुत ही ऐसे ब्लैक मैजिक टाइप में था ऐसा लग रहा है ये जो आर्किटेक्ट था इसलिए लड़की को पसंद नहीं था। A straw doll used for putting a curse on others by writing the name of the intended target on the back of the doll. One can use black magic to harm or control the victim. Shioi was right. Yep. If her father had only listened to her, none of this would have happened. Yes. यानी कि वो लड़की सही बोल रही थी कि जो लड़का है ना अपने जो आप जो बोल रहे हो कि जिससे शादी करनी है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा इसका इंटेंशन सही नहीं है कि ब्लैक मैजिक और ये सारे स्टफ में ये मानता है एंड ये सब चीज़ें कर रहा है बट ऑब्वियसली इसके फादर को बिलीव नहीं हुआ या तो वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे ये सब एंड
पता नहीं उसने इतना देखा नहीं होगा, या तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होंगे होंगे लड़के से कि उसको कुछ उसकी गलतियां नहीं दिख रही थी। एंड ये वुड डॉल तो अपन ले नहीं पा रहे, ऐसे ही है। तो इधर हमें ये जो अटैच करना है शायद, यस हो गया ना अटैच। चलो अभी इसको सॉल्व करना है हमें। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। ओके मेरे को है ना ये सही जगह पे रखना है। ओके नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। इसको इसको मैं ना रुको मैं इधर रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको ले लेता हूँ, इसको इधर रख देते हैं। एक मिनट ये रहा, इसको लेते हैं, इसको इधर रख देते हैं, बढ़िया। इसको लेते हैं, इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं इधर, इसको इधर, हो गया, बढ़िया यार, अमेजिंग। ओपन द सीक्रेट पैसेज इन द रिसेप्शन रूम। एक सीक्रेट पैसेज है गाइस ये। ओह सीक्रेट पैसेज, अच्छा इधर खुल गया है। ओह भाई साहब भाई ये क्या ही कर रहा है, मतलब ये इसको ये जगह दी थी, ये रिसेप्शन रूम दिया था यूज करने के लिए उसके काम के लिए, लेकिन ये बंदे ने पता नहीं क्या ही सीक्रेट पैसेज बना दिया है। ओके स्क्वीज करके जाना पड़ेगा, ठीक है चलो लेट्स गो। इसने बहुत सारे पत्थर भी रखे इधर, जो पत्थर इसने पहले इसके डैड को दिया था, इस लड़की के डैड को, वो टाइप के पत्थर भी है इधर। टेक्स्ट ऑन बोन एंड ब्लड एरे। This is an extremely sinister formation that was nearly lost to time. The caster uses corpses and skeletons that perished while possessing a grudge of some sort, utilizing the victims to create the array. The victims must die a tragic death, otherwise their bodies are useless. By using this formation, it's possible to create extremely powerful evil spirits which continue to grow stronger by absorbing malice or negative energy. Beneath the formation description, there are a few notes left by Anshu Wen. ठीक है, काफी ज्यादा जो भी बोलो साइको लग रहा है मेरे को तो। जियोमैटिक कंपास, ओके ठीक है चलो लेट्स गो गाइस, पर चलते हैं आराम से। ओ भाई सामने कोई है, अभी ये कौन है? I hate these moments guys, कि जहां पे एक ऐसी फिगर में कोई खड़ा हो टक्के, पता नहीं अंदर कौन है, एक नहीं दो है। Shit. दो है भाई, इतना हाइटेड कौन है? चलो एक बार ये देखते हैं। ये तो वही है पिक्चर जहां पे अपन ने अभी पजल सॉल्व किया ना, ये वही है। ओके ओके यन शुवन March 3rd, 1959। ओके He wrote all this. He used dark geomancy to haunt the tavern building. Okay. The animal.
mastermind. He's behind all of this. Yes, he is. He's a mastermind. He is the architect. If the legend of B3 is true, and you could create ghosts with a dwarf chaos and an array of blood and bones, then those ghost hands might have something to do with Yin Shuan. Mr. Yan, you forget to close the door. Hey, Mr. Yan. Mr. Yan. What the hell's? ये पुराना history repeat हो रहा है बता रहे हैं कि क्या हुआ था ये जो founder है ना वो शायद से reception में आया था. What is all this nonsense? देखने के लिए. Oh, ये security guard है. ये founder नहीं है. The military instructor. अभी ये तो मर गया है security guard तो. मुझे लगा जिंदा हो गई. It's pretty late. क्योंकि part one में ये जिंदा दिख रहा था. Don't want to get found out. He never leaves earlier than midnight. Okay. That fella's stranger than a purple shit. Better keep my eye on him. Okay. Hey, let's go. आराम से पीछे कोई है तो नहीं ना? Where have I seen him before? भाई अच्छा ये दोनों मूव नहीं कर रहे. तो कैसे सिक्योरिटी गार्ड भी ऑलरेडी मर चुका है. वो बहुत पहले था इस यूनिवर्सिटी में. पार्ट वन में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जिंदा है एंड अभी भी वो मतलब वही करंटली मतलब प्रेजेंट में वो है. I may should be getting off soon. Okay. Best not to leave too late. Not on a day as important as this. इसको फॉलो करना है क्या हमें बंदे को? ओ ये तो उधर जा रहा है. इसको फॉलो ही करते हैं ना. यस किसी की आवाज आ रही है लड़की की. गाइस क्यों आ रही है? मेरे को नहीं जाना है ये आवाज के पास. बस ये सिक्योरिटी गार्ड साथ में रहे तो थोड़ा सही रहे. ऐसा लगे तो सही. माय हनी पू, यू आर द सन एंड आई एम द ग्रास. यू टू कॉर्नी. I've got something for you. Nurse's room. Okay. Honey! Zongyang, why are you acting so strange? Hey, you didn't forget that today's our wedding anniversary, did you? Here, this is for you. Ah, oh, you... Hey. Huang Zongyang. Hey, what is it? I'm just worried. That girl, Zhu Youyi, her father set her up to marry Yan Shuwen. Mr. Xu is just about to send out the wedding invitations. What's he thinking? That right? Man's bad news. Something's up with him. How could I not? He's turned that damn reception room into his own secret bunker. And it's nothing but bad juju around here. That's not normal feng shui. It's dark magic. Real bad stuff. If you run into him, be careful. You got that? Okay. You too. I just can't wrap my head around what Mr. Xu is doing. Giving his daughter to that weirdo. It's none of our business. ठीक है इसने सब देख लिया है इसलिए इसको पता है. Yeah, you're right. वो क्या कर रहा है? Well, I'm off to work. I'll come get you when you get off, sugar poots. ठीक है. आइए. Oh shit. क्या हुआ?
भाई डोंट, पता नहीं ऐसे सीन्स काफी डरावने क्यों लगते हैं। ओके ठीक है ठीक है, कुछ भरोसा नहीं कर सकता है। कहाँ बजट में चाहिए यार। चलो Miss Tan, it's me, Yoyi. I'm sorry, but it's about me and Yan Shuan again. But this time it's good news. He said we can talk about ending the engagement. Okay. When? Midnight in the parking garage. Will you come over in a little bit? Theek hai. Okay. Okay. Yeah, I'll be careful. Bye. ठीक है चलो गाइस लेट्स सी क्या होता है। पार्किंग गैरेज में जाना है यानी कि नेक्स्ट लोकेशन वही है। हेड टू द B2 पार्किंग गैरेज, उधर कुछ होने वाला है ऑब्वियसली। बुरा ही होगा ऐसा तो, अच्छा तो क्या ही हो क्योंकि पूरी हिस्ट्री बुरी है इस यूनिवर्सिटी की। ये क्या है, लेट्स सी। ओके ये तो एक्सचेंज डायरी है। ओके ठीक है, बाकी क्या देखना है अपने को। हाँ इसको कैसे खोलें? Why is there a hole here? You and I wonder कि क्या हो सकता है ये। कुछ तो सीक्रेट रास्ता बनाया था इन्होंने एस्केप, क्या एस्केप करने के लिए के? पता नहीं। जो भी है अभी अपने को जाना है गाइस पार्किंग गैरेज में यानी कि B2। Yan Shuan and Xu Youyi arranged to meet in the parking garage. Is that B2? Let's go. इसको कुछ दे क्या? चलो बॉल दे दिया इसको। Okay, इसने कुछ दिया अपने को वापस, टेनिस बॉल। Looks like Puri signed the ball. सबसे फ्रेंडली तो यही है जो भी होगा। Let's go. B2 में चलते हैं, चलो गाइस। Okay. We have reached B2. We investigate the clues from the past. Okay. तो गाइस देखो सीन क्या था पता है, अभी जैसा आपको पता है कि सिनो सिटी में क्या हुआ था, मर्डर हुआ था। जो फाउंडर की डॉटर थी उसका मर्डर हुआ था। किसने किया था? उसी के होने वाले हस्बैंड ने, यानी कि जो आर्किटेक्ट था इस यूनिवर्सिटी का, जिसके इंटेंशंस गलत थे, जो ब्लैक मैजिक कर रहा था वो। तो फिर बात ऐसी हुई कि उस लड़की ने बात की कि मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी है, मुझे ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना है, हम जो है इसे कैंसिल कर देते, इधर ही स्टॉप कर देते। वो पहले मान नहीं रहा था उसका जो होने वाला हस्बैंड है, लेकिन बाद में पता नहीं उसने बोला ठीक है हम लोग, मैं एग्री करता हूँ, हम लोग इसे कैंसिल कर देते, हमारा जो भी एंगेजमेंट होने वाला है ठीक है उसको कैंसिल कर देते, लेकिन उसके लिए अपन जो है गैरेज में मिलते हैं, B2 में मिलते हैं, ऐसा उसने बोला। ठीक है तो इसलिए ये लड़की गई B2 में मिलने। इसके बाद जो है बहुत ही कुछ ख़राब इंसिडेंट हुआ, यानी कि ऑब्वियसली वो जो लड़का है उसके इंटेंशन सही नहीं थे एंड उसने शायद से इधर ही जो है उसको मार दिया हो। तो ये इधर हमें क्लूज दिख रहे हैं इस जगह पे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। पहले इसके हील्स है, ये लड़की के हील्स है ठीक है, ये है वाइट हाई हील्स, वो लड़की के ही है ठीक है। द पेयर ऑफ वाइट हाई हील्ड शूज स्टेन्ड विद ब्लड, दे आर रेमनेंट्स फ्रॉम द सीन ऑफ द 1960 मर्डर केस, 1960 में हुआ था। ट्रेसेस ऑफ द ब्लड इनसाइड द टो ऑफ द शूज इंडिकेट शु ओईज डेस्परेट अटेम्प्ट टू एस्केप, यानी कि वो शायद से एलिवेटर की तरफ भाग रही थी एस्केप करने के लिए। बेसमेंट में पहले आई थी, उसके बाद वो बंदे ने कुछ तो किया काफ़ी गलत एंड उसको मारा एंड उसके बाद जो है वो इंजर्ड होते होते वो भागने की कोशिश कर रही थी, यानी कि ऐसे वो एलिवेटर की तरफ जा रही थी लेकिन शायद वो पहुंच नहीं पाए पता नहीं, एंड ये उसके हील्स ऐसे ही उतर गए।
भागते भागते। तो अभी दूसरा देखते हैं ये क्या। ओके इधर भी ब्लड स्टेन्स है, ठीक है। Okay, देखो ऐसा कुछ हुआ था पहले। You are mine. What right do you have to reject me? I let you steal that key so you could see the truth. Was that not enough? Oh! That's bad. That's very bad. And you thought you could find someone to dissolve the spell? Perhaps I'm being too gentle with you. Shuren, don't do anything to my father. Otherwise, I'll haunt you forever. You think I'm just going to let you leave me? Once the magic circle is complete and I am reborn, I will come for you. What are you talking about? My dear Yu Yi, the time is almost here. Be a good girl and wait for me. Yu Yi, is that you? I heard you shouting. Are you okay? Get away! What happened? Run! इस नर्स को भी मार दिया उसने। वो जो नर्स को बुलाया था ना, तो ये नर्स को भी उसने मार दिया। Are you okay? Who are you? Help me. I don't want to die here. Okay. Let's run guys. Let's run. ठीक है, चलो। Use the anima energy to clear the ghost hands blocking your way. Keep looking. Where the hell did they go? I just hope they're okay. हम लोग अभी जहाँ पे थे ना, वो काफी different world था, काफी unrealistic जगह थी, दुनिया थी जहाँ पे हम लोग फंस चुके थे, spirits की दुनिया में बोल सकते हैं। अभी I guess हम लोग reality में आ गए वापस, तो बहुत सारा कुछ जानने को मिला, देखने को मिला यार कि इस university में क्या क्या चीजें हुई, क्या हादसा हुआ, तो which was very very scary and अभी भी रोने की आवाज आ रही है। ये क्या है? को तो काफी
मिस्टीरियस सिंबल. सेव मी. हम लोग वापस हिस्ट्री वाले रूम में जा रहे हैं. फुटप्रिंट्स डिडंट लुक लाइक अ मैन्स. हु एल्स वाज हियर? ठीक है. ओह, क्या कर रही है सब? कुछ है तो नहीं भाई, क्या देख रहे हो? फ्यूज, अ स्पेयर फ्यूज दैट कैन रिस्टोर पावर टू द रोलिंग स्टील डोर्स इन द इवेंट ऑफ ब्लैकआउट. ओके, मूव किया इसे, मूव किया. ठीक है, चलो. ओके ओके, जाना किधर है अभी? हमें एक्चुअली अपने दोस्तों को ढूंढना है. ठीक है, वो पता नहीं कहाँ पे है. नीड टू फाइंड देम. एंड शायद से हमें जाना एलिवेटर में ही, और कोई रास्ता नहीं है. बस एक बार आगे देखते हैं. इधर इधर कुछ है क्या? ये क्या है? रेड बलून. ओके ठीक है. इसको खोलते हैं, लगाते हैं. यस, इसको लगाते हैं. इधर से बाहर निकलना है आप बीच. The fuse for the rolling shutter door has been stolen multiple times for unknown reasons. Okay. ठीक है. Let's check. इसको सही करते हैं, वायर्स को. Yep, that's correct. That's not correct. This is correct. This is also correct. नहीं, एक मिनट. एक मिनट, ये सही तो है बट एक मिनट, एक मिनट. बढ़िया, हो गया हो गया हो गया हो गया. फाइनली खुलते हुए एंड अपन बाहर निकलते हुए. फाइनली बाय, फाइनली. बहुत सही लग रहा है. इधर तो नहीं जाना है, हमें ढूंढना है. लेकिन वो है कहाँ पे, वो नहीं पता हमें. नीचे ही जाना पड़ेगा गाइस. इधर ही कहीं पे हो सकते हो. एक बार मिल जाए तो सही यार. वो इसके दोस्त लोग मिल जाए ना तो थोड़ा माहौल सही हो जाएगा ना, स्केरी कम लगेगा. हेलो, फाइंड द सोर्स ऑफ द साउंड. कहाँ से आ रही आवाज? ऑब्वियसली इस तरफ से ही आ रही है. ये रहा. ओके, डॉक, दिस डजंट लुक लाइक डॉक्स फोन, सो हूज कुड इट बी? हेलो, लियान शुयु. व्हाट? लियान शुयु. हेलो, लियान शुयु. लियान शुयु, इज दैट द रिपोर्टर दैट डॉक वाज गोइंग टू डू द इंटरव्यू विद? व्हाट्स शी डूइंग हियर? ओके, तो इसका फोन है. And is that the military instructor? Oh, okay, okay. ये सबसे पहला character है जो अपने part सबसे start करता है. So different. तो ये वो है. Is this from today? She must still be nearby. I wonder where she is.
यस वही लग रहा है ना? यस यही लग रहा है। फाइंड द रिपोर्टर। ओके तो गाइस देखो अभी सारी चीजें कनेक्ट हो रही है, सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे स्टार्ट जब अपन ने गेम स्टार्ट किया था तब अपन वो रिपोर्टर वाला कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, वो लड़की जो थी वो रिपोर्टर थी, वो सबसे पहले इधर आई यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टिगेट इंटरव्यू करने। तो वो रिपोर्टर जो है अभी फंस चुकी है, वो जो सिक्योरिटी गार्ड की जो स्पिरिट है ना उसने उसको पकड़ लिया एंड वो उसको कहीं पर तो लेके गया, ठीक है? तो वो फंस चुकी है एंड उसके बाद अपन मतलब ये तीनों दोस्त लोग आए, तो अभी हमें जो है वो रिपोर्टर को ढूंढना है एंड लेट्स सी सबको हमें बचाना है एंड स्पिरिट से एंड यूनिवर्सिटी से। फाइनली एट द एंड हमें निकलना पड़ेगा सभी चीज़ें शायद से सॉल्व करके ये स्पिरिट्स को भगा के, ऐसा कुछ है। तो कहाँ पे लेके गा वो नहीं पता, बट नीचे लेके जा सकता है वो, इधर कहीं पे तो वो लेके नहीं जाएगा ये रूम्स में। तो मिस्टीरियस ड्राइंग है क्या? काफी मिस्टीरियस बिल्डिंग है ये, मतलब मिस्टीरियस ड्राइंग है जहां पे ये सीक्रेट लोकेशन कुछ है। शायद से वो इसको इधर लेके गया, ऐसा कुछ हो सकता है। सिक्योरिटी गार्ड का रूम है उसकी जगह, ठीक है। चलो वो चला गया, वो चला गया, चला गया, वो चला गया। It's the military instructor. Something seems off. I better not let him see me. ये मिलिट्री इंस्ट्रक्टर यार, ये सिक्योरिटी गार्ड का भी कोई हाथ है क्या इसमें मर्डर में? इसने भी कुछ किया है क्या? लग रहा है, पता नहीं। वो कौन फेंग शू? एक चीज है, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना इसको फेंग शुई मतलब ये ब्लैक मैजिक के बारे में भी बहुत पता था। ऐसा नहीं है कि वो आर्किटेक्ट को ही पता था, इसको भी बहुत सारी चीजें पता थी सिक्योरिटी गार्ड। पहले वो आ जाए, अपने को जो काम करना है अपन जो देखना है वो अपन जो भी आंसर्स हमें चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है? प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, ठीक है। नोट फ्रॉम तांजून मे। Okay.
तो कुछ है नहीं इधर। हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। यस, और तो कुछ है नहीं गाइस। इधर कोई आंसर्स है? कुछ है क्या? वैसे अगर आंसर्स होते, कुछ हिडन क्लूज होते तो ये शेक करता है। ऐसा कुछ है नहीं। नहीं नहीं, इसका कोई यूज नहीं है। I think the poster moved. Okay, yes it moved. Okay. Okay. ये कैसे पता चलेगा कि क्या है? एक मिनट, शायद से मुझे पता है इसका आंसर। आई माइट ट्राई। या तो कुछ और हो सकता है। अभी टाइम क्या है इसमें? टाइम ओके, इसको कुछ करना पड़ेगा इसका। एक मिनट एक मिनट, टाइम क्या है? टाइम देखना पड़ेगा गाइस हमें। इधर कुछ आंसर्स है। मिडनाइट है, टाइम मिडनाइट है। मिडनाइट मर्डर क्लेम्स टू लाइव्स ऑन कैंपस, नो सैक्रिफाइसेस हरसेल्फ टू प्रोटेक्ट अ स्टूडेंट। ओके मिडनाइट, ठीक है समझ गया मिडनाइट। इसके बाद अगस्त 22nd 1960। बढ़िया, हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके नर्सिस ऑफिस की भाई चाबी मिल गई नर्स के रूम। उसको मूव किया ना अभी, ये मूव कर रहा है। ओके ठीक है, भाई आराम से अभी, ठीक है। नर्स का रूम कहाँ पे है? मुझे एक बार मैप देखने दो। सीधा ही जाना है, बहुत ज्यादा सीधा जाना है। ओके ओके, काफी सीधा काफी सीधा। ये रहा फाइनली स्केलेटन टॉय। ये रहा वो रास्ता जो पहले हमें दिखा था ना, ये वो। चलो लेट्स गो गाइस, लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स सी। भाई ब्लड स्पॉट्स के अंदर जो भी बोलो बहुत ज्यादा। इधर क्यों ब्लड स्पॉट्स है वो समझ में नहीं आ रहा, और वो भी नर्स के रूम से। यानी कि सिक्योरिटी गार्ड सबसे ज्यादा आता था नर्स के रूम में, यानी कि नर्स जो थी उसकी वाइफ ही थी। ये किसका है आईडी? शुई लियांस एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन कार्ड नाउ स्टेन्ड विद ब्लड। आई हैव गॉट टू फाइंड हर। ओके, शायद वो रिपोर्टर है शुई लियांस। यस वो रिपोर्टर ही है। Okay. 2000 elevator incident article. July 8, 2000, a female student at Wenhao has gone missing. The old surveillance cameras are damaged and the police have released the only surviving footage.
Okay. कुछ तो कर रहा था ये बंदा, मतलब कुछ तो करना चाह रहा है ये जो सिक्योरिटी गार्ड। फ्रस्ट्रेटेड हबी, द स्कूल हैज बीन सील्ड ऑफ फॉर मेनी इयर्स एंड मेनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम बैक देन हैव बीन डैमेज्ड। देयर इज ओनली वन फ्यूज फॉर द फायर डोर्स, सो आई हैव टू स्विच इट एवरी टाइम आई वांट टू ओपन वन। परहैप्स वन डे दैट विल ब्रेक एज वेल। टाइम इज पासिंग एंड द फ्लावर्स आई लेफ्ट हैव डिकेड एंड विल्टेड। ब्यूटीफुल वाइफ, प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट बीइंग एबल टू ब्रिंग यू flowers to calm you down. Okay. आराम से। वो अभी भी घूम ही रहा है स्पिरिट। ठीक है, काफी डरावनी जगह लग रही है, जो भी बोलो, बहुत डरावनी। तर कुछ तो है, क्या है ये? लिपस्टिक है? यस, लिपस्टिक है ये तो। बहुत ज्यादा शांति नहीं होगी इतनी ज्यादा शांति? भाई आजू बाजू भी देख भाई, आराम से छुप जा या तो कुछ तो कर। क्या कर रही है? Okay, इस पे चढ़ने वाली है आवाज सुनने के लिए। आराम से, वैसे भी टेबल बहुत पुराना लग रहा है, टूट ना जाए बस। Okay. भाई आराम से, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आराम से यार, ऐसे ही तो जंप स्केयर्स आते हैं। कोई नहीं है, कोई भी आ सकता है, बट आराम से। अभी ये वही है, ब्रोकन नेक गर्ल है। अभी ब्रोकन नेक गर्ल कौन है? ये वो नर्स है। Use the lantern to find the flowers, which can be used to distract the necklace consort. Okay, guys, देखो, मैं I know बहुत ही ज़्यादा important, बहुत ही ज़्यादा एक amazing moment में मैं pause कर रहा हूँ game, लेकिन मैं फिलहाल ये वाला part इधर ही end करता हूँ। इधर से हम लोग continue करेंगे, ठीक है? इसको कैसे escape करना है, कैसे बचना है इससे, हम लोग बहुत जल्द escape करेंगे and बहुत जल्द मिलेंगे इस वाले part से, ठीक है? तो आई होप यू एंजॉय टुडेस पार्ट। अगर अच्छा लगा थैंक यू विद द लाइक बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गेम स्टार। मिलेंगे बहुत जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में एंड यस, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है? तो मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड सी यू वेरी वेरी सून। बाय।